हम सब जानते हैं कि बिहार में कितना बड़ा व्यापक कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की जो नदियां हैं उफान पर है, बाढ़ की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है। इन लोगों की ऐसी मंशा है कि 15 अगस्त तक यह देखेंगे कि कोरोना की स्थिति कैसी है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। नमस्कार, मैं सुमन सौरभ हूं और आप भारत लाइव देख रहे हैं। कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से पूरे बिहार में बढ़ रहा है। इसी बीच जो है, इसकी समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम आई हुई थी। उन्होंने समीक्षा की है, अपना रिपोर्ट बिहार सरकार को दिया है। उसके बाद जो है, सरकार को बहुत सारे निर्देश भी दिए गए हैं। सबसे प्रमुख जो निर्देश जो सामने आई है, उसमें ये बात आई है कि जो लोग होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, जो घर पर रह रहे हैं होम क्वारंटाइन में, उन्हें राज्य सरकार अपने स्तर से मेडिकल की जो है किट और जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। इसके लिए केंद्रीय सदस्य ने जो है उन्होंने केंद्रीय टीम ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के बीच जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत भी हुई है। इस पर अभिषेक झा, RLSP के प्रमुख प्रवक्ता अभिषेक झा ने बड़ा हमला सरकार पर बोलते हुए कहा है कि श्री नीतीश कुमार और श्री नरेंद्र मोदी जी के जो बीच जो वार्तालाप हुई है, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि इन लोगों की अभी भी प्राथमिकता बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के है। वो जनता को कोरोना काल में इस चुनाव में झोंकना चाहती है। वो उन्हें बिल्कुल भी जनता की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार कहती थी कि जान है तो जहान है, लेकिन अब इनके लिए इनका जो रुख है अब स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है। इन्हें जनता के जान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपना स्वार्थ दिख रहा है, उन्हें बस बिहार विधानसभा चुनाव दिख रहा है। उन्होंने एक कड़ा हमला सरकार पे बोला है, नीतीश सरकार पे बोला है और नरेंद्र मोदी की सरकार पे बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो लगातार सिर्फ और सिर्फ चुनाव करवाने पे लगी हुई है। उन्हें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जो लोगों की जो दिक्कतें हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। और क्या कहा है RLSP के प्रमुख प्रवक्ता अभिषेक झा ने, आइए देखते हैं ये वीडियो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बातचीत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हुई, लेकिन इनके वार्तालाप से ऐसा लगता है कि जैसे इनके लिए अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिहार में विधानसभा का चुनाव समय पर करवाना है। हम सब जानते हैं कि बिहार में कितना बड़ा व्यापक कोरोना विस्फोट लगातार हो रहा है। हर दिन इतनी बड़ी संख्या में हर जिले से, हर इलाके से लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। लोगों की जान खतरे में है, दोहरी मार झेल रहा है बिहार, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की जो नदियां हैं उफान पर है, बाढ़ की इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, जान माल की इतनी क्षति हो चुकी है और आगे भी कोई पॉजिटिव आसार नहीं दिख रहे हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति है और लोग यहां भयभीत हैं, जान माल भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब बिहार के लोगों तक राहत पहुंचनी चाहिए थी, तो इनके वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत होता है कि कैसे भी बिहार में समय पर चुनाव करवा दिए जाए। इनके जो अधिकारी हैं वे लोग चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि पहले ये लोग कहा करते थे कि जान है तो जहान है, और अब जान कहीं है ही नहीं, जो भी कीमत है वह सिर्फ जहान की ही है। इन लोगों की ऐसी मंशा है कि 15 अगस्त तक यह देखेंगे कि कोरोना की स्थिति कैसी है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। हमारी पार्टी की यह मांग है कि जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद किया जा सकता है, सारी गतिविधियां बंद हो सकती हैं, जनता की जान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि बिहार में चुनाव समय पर हो, आराम से इत्मीनान से इस चुनाव को टाला जा सकता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।